بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ये 1998 की बात है। मिस्र में मशहूर डांसर फीफी अब्दू का तोती बोलता था। हकूमती एवानों से बिजनेस क्लास तक सब फीफी के डमकों की जद में थे। आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। काहिरा के एक फाइव स्टार होटल में अपने जलवे दिखाने के बाद फीफी ने शराब पीने के लिए बार का रुख किया। शराब ज्यादा पीने की वजह से वो अपने होश खो बैठी और बार में हंगामा खड़ा कर दिया। होटल में वीआईपीस की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस ऑफिसर फौरन वहां पहुंच गया। उसने बड़े मोदिबाना अंदाज में फीफी से कहा कि आप एक मशहूर शख्सियत है, इस तरह की हरकतें आपको जेब नहीं देती। ये ऑफिसर खुश मिजाजी और खुश इखलाकी के लिए मशहूर था। इस होटल में क्याम करने वाली अहम शख्सियत इन्हें पसंद करते थे। वो एक फर्जशनास ऑफिसर थे। फीफी को पुलिस ऑफिसर की मुदाखलत पसंद ना आई। उसने नशे की हालत में ही आला एवानों का नंबर घुमाया और पुलिस ऑफिसर का कहीं दूर तबादला करवा दिया। अगली शाम जब फीफी का नशा उतरा, उसने होटल इंतजामिया से पुलिस ऑफिसर के मुतल्लिक पूछा। उसे बताया गया कि आपने इसका तबादला करवाया है। फीफी ने फोन घुमाया। सरकार ने पुलिस ऑफिसर को वापस होटल रिपोर्ट कराने का हुक्म दिया। पुलिस ऑफिसर ने पुलिस से मुतलका वजीर को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। इन दिनों वजदी साले वजीर होते थे। वजीर ने हैरत से पुलिस ऑफिसर से पूछा कि इस होटल में ड्यूटी करने के लिए पुलिस ऑफिसर बड़ी बड़ी सिफारिशें करवाते हैं, आपको दूसरा मौका मिला लेकिन आप इस्तीफा पेश कर रहे हैं। पुलिस ऑफिसर ने तारीखी जवाब दिया। जिस मुल्क में एक शराबी औरत के इशारे पर ट्रांसफर और एक रकासा के हुक्म पर वापसी हो, इस मुल्क में किसी गैरतमंद का रहना आर और ऐब है। चंद माह बाद इस ऑफिसर ने मिस्र ही छोड़ दिया। ये सिर्फ मिस्र की कहानी नहीं है, ये मेरे मुल्क की भी कहानी है। यहाँ भी कंजर इतने ही बा इख्तियार है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए। हमें आपके कीमती राय का इंतजार रहेगा। आप सबका देखने का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वस्सलाम।